नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, टीम इंडिया की टेस्ट में जिस तरह से बादशाहत कायम है, आप क्रेडिट देना चाहेंगे विराट कोहली को? दोस्तों, जितना विराट कोहली का क्रेडिट है उतना अगर बॉलिंग में बात करें तो उतना बुमराह का भी। दोस्तों, बुमराह ने काफ़ी स्ट्रगल करके आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में 10 ऐसी चीज़ बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके आज टीम इंडिया में अपना यह मुकाम हासिल किया। दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बेल को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। 14 साल की उम्र में बुमराह ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला लिया और गुजरात के लिए मध्य गति के तेज गेंदबाज के रूप में खेलना शुरू किया। इसके बाद बुमराह को जल्द ही IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिला। इस समय 25 साल के बुमराह ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 2, जब जसप्रीत बुमराह सिर्फ 7 साल के थे तो उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी माँ, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, उन्होंने अकेले पूरे परिवार को संभाला। बुमराह का मन था कि उनका परिवार कनाडा में जाकर रहे, लेकिन जब 14 साल की उम्र में उन्होंने खेल में अपनी रुचि को देखा तो उसके बाद उन्होंने उसी में आगे बढ़ने का फैसला किया। नंबर 3, साल 2013-14 के घरेलू सीजन में गुजरात के लिए जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच विदर्भ टीम के खिलाफ खेला और अपने नायाब एक्शन के कारण उस मैच में कोई बल्लेबाज बुमराह को खेलने के में सहज नहीं दिखा, जिसके बाद डेब्यू मैच में ही 7 विकेट झटक लिए थे। पूरे टूर्नामेंट में गुजरात के लिए बुमराह ने सबसे अधिक विकेट हासिल किए। नंबर 4, IPL में मुंबई इंडियंस की टीम के पूर्व कोच जॉन राइट ने पहली बार जसप्रीत बुमराह को चयन से पहले देखा था, जब वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे, जिसके बाद बुमराह को मुंबई की टीम में शामिल करने का फैसला किया। नंबर 5, शानदार घरेलू सीजन के बाद जसप्रीत बुमराह IPL में साल 2013 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने का मौका मिला और पहले ही मैच में इस तेज गेंदबाज ने सभी को प्रभावित किया। पहले ओवर में विराट कोहली से 2 चौके लगने के बाद बुमराह ने उन्हें ही अपना पहला शिकार बनाया। 19 साल के बुमराह ने अपने पहले IPL में 2 और विकेट झटकने के बाद उस ओवर में 4 ओवर की गेंदबाजी में 32 रन देकर 3 विकेट झटके थे। नंबर 6, अजीबोगरीबी गेंदबाजी एक्शन के बावजूद बुमराह ने पहली बॉलिंग में बाउंसर, यॉर्कर और स्लो गेंदों का प्रयोग करना शुरू किया और मुंबई इंडियंस के लफित मलिंगा से काफी कुछ सीखने का मौका मिला, जिस कारण वह भी मलिंगा की तरह सही लेंथ और यॉर्कर गेंद डालने में सफल दिखते हैं। नंबर 7, साल 2013 के अपने पहले IPL सीजन में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने अगले सीजन के लिए जसप्रीत बुमराह को 1.2 करोड़ की धनराशि देकर शामिल किया। इसके बाद बुमराह लगातार टीम का हिस्सा रहे और उन्हें टीम के बड़े खिलाड़ियों की तरह माना जाने लगा। जब पिछले सीजन में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी तो उस समय मुंबई की टीम ने जिन 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया था उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के अलावा जसप्रीत बुमराह भी एक खिलाड़ी थे। नंबर 8, लगातार यॉर्कर डालने की काबिलियत को देखते हुए बुमराह को जल्द ही भारतीय टीम से भी खेलने का मौका मिला और साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुई T20 सीरीज में बुमराह को खेलने का मौका मिला था। नंबर 9, बुमराह समय की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुई T20 सीरीज के लिए मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें इस गेंदबाज ने पहले ही सीरीज में सबसे अधिक विकेट हासिल किया और भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से जीत हासिल की। नंबर 10 और लास्ट, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें इस दौरे की खोज कहा था। इस युवा खिलाड़ी ने अपने पहले ही दौरे से टीम में अपनी जगह को पूरी तरह से पक्का कर लिया था और वह भारतीय टीम के लिए डेथ ओवर के प्रमुख गेंदबाज बन चुके थे और अब इस समय जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के मेन लीड बॉलर हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।